भाई लोग एडमिट कार्ड ले गया, हो गया भाई यार ये सब लोग ऐसे करते रहे हैं, ऐसे भी ये फिंगर मेरा क्यों कट गया था। ठीक है, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का माहौल कुछ इस तरह का है। आज है 31 मार्च और मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है। हवा बहुत ज़ोरों से चल रही है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक कि उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने वाला है कुछ इस तरह खतरनाक एकदम। हवा बहुत ज़ोरों से चल रही है पीछे, बाकी सब एकदम बढ़िया दिख रहा है। और ठंडा हवा हो गया है, मतलब ठंडी लग रही है थोड़ा बहुत। और बस यही सब है। बाकी अपने छत पे है श्री राम जी का फ्लैग। हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। बस यही सब हो रहा है यार, और काफ़ी मज़ा आ रहा है एकदम से। मतलब वो देखें उनके छत पर भी है एक, जय श्री राम। चरण की धूल ले आओ मेरे प्रभु राम। वो फूल देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है ना। और यार काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है। अभी बस जस्ट कुछ नहीं, मैं भी सो के उठा हूँ बस। अभी रात वाले ही ड्रेस में है, मतलब काइंड ऑफ समझ लो जैसा भी। बाकी सब एकदम बढ़िया चल रहा है। और हमने सोचा ब्लॉग बना लेते हैं, और एक ब्लॉग अपना अपलोड हो चुका है। तो आप हाँ 8:42, तो 42 मिनट एक्स्ट्रा हो भी गए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और बस गांव, मेरा गांव कुछ इस तरह से दिखाई देता है। वो लास्ट तक वहाँ, एकदम लास्ट तक वहाँ तक लंबा है हमारा गांव। और इस साइड भी बहुत लंबा है। इस साइड वो बड़ा वाला घर जो दिखाई दे रहा है वहाँ से है। यही सब चल रहा है भाई मेरे। बाकी बहुत ही प्यारा मौसम है। 8:42 हो चुके हैं और मेरा घर कुछ इस तरह से है बाहर। और सब मेरे घर के आसपास पूरा पेड़ ही रुख हैं, इस वजह से ज़्यादा गर्मी नहीं होती हमारे यहाँ। पेड़ रुख इन द सेंस ऑफ पेड़ पौधे। और बस वो अपना वाला गार्डन वहाँ पर है, फिर उसको भी साफ़ सफाई करना रह गया है, तो देखे उसको भी करते हैं। बाकी पीछे यहाँ जो भैंस का जो पोटी होता है ना, गोबर हमारे यहाँ बोलते हैं, उसको ऊपर ही बना के यहाँ रखा जाता है। जैसे कभी चूल्हा जलाना हुआ तो उसमें, उस काम में यूज हो जाता है। आग जलाना हुआ तो ठंडी में काफ़ी यूज़ था उसका, अभी तो फ़िलहाल नहीं है। बस यही सब चल रहा है यार। और हमारे यहाँ ना ढेर सारे कबूतर आ गए हैं। ये देखो यहाँ एक बैठा है ना अभी, ये पूरा घर में ना कचरा कर रहे हैं ले आके बाहर से, तो वो इनका कुछ इलाज करना होगा क्योंकि ढेर सारा कचरा ये ले आके आके अंदर रख रहे हैं। क्योंकि आई थिंक सो इनको अंडे वंडे देने होंगे इस वजह से। नहीं, 2 दिन पहले मैंने देखा था 2-3 अंडे गिरे हुए थे नीचे। एक्चुअली जहाँ रखते हैं प्लेन सरफेस है, वो क्या होता है उसको घूम के नीचे गिर जाता है। बस यही चल रहा है यार। और कल अब बारिश भी होना शुरू हो गई, थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो रही है अभी, बट काफ़ी मज़ा आ रहा है। और मज़ा आना ही चाहिए यार, जीवन का कुछ है ही नहीं, कब क्या हो जाए। ठीक है, तो खुश रहें और इंजॉय करें, सबको हंसाएं। अब मैं भी वही कोशिश करता हूँ कि हाँ आप सब लोग भी इंजॉय करें। और मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करें, वहाँ रील अच्छे अच्छे मिल जाएंगे आपको। मैंने ढेर सारी रील डाल दिया है, और अभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो प्लीज़ डू चेक आउट और फॉलो करें अगर आपको अच्छा लगे तो। बस यही सब है, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, बस क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे कुछ देर में। ओ फिंगर, हाँ तो इस फिंगर की कहानी बहुत पुरानी है, तो मैं आपको किसी दिन खाली होकर अस्थिले समझाऊंगा क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये फिंगर मेरा क्यों कट गया था। ठीक है, मिलते हैं कुछ देर में। हे गाइस, शाम के बज गए हैं 5:45। अभी मैं आया था छत पे क्योंकि मैंने अपने हेलमेट का सारा पैडिंग निकाल के धोने के लिए रखा था, और ये सूख गया है। स्मेल इज़ गुड। और हाँ, नितिन वहाँ से हाथ दिखा रहे हैं। और बारिश तो हुई नहीं, बाकी मौसम एकदम प्यारा हो रखा है। सनसेट हो चुका है और बादल कुछ इस तरह से दिख रहे हैं।
अभी चलते हैं, बस इसको हेलमेट में लगाते हैं। और नितिन भाई वहाँ पर आ गए नीचे, देखो वो रहा है तो सॉरी मैं चलता हूँ, अपना ये सब हेलमेट पे पहना देता हूँ, इसके बाद जैसा भी रहता आगे आप मिलते हैं भाइयों के साथ और मिलते हैं। यहाँ पर सब लोग अपना बाल कटाने की कोशिश में चप्पल जब तक कुछ अच्छा करने की कोशिश। मुझे भी बाल कटवाना, तो मैं संडे को जा रहा हूँ, आज तो फ्राइडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं जाऊँगा अच्छे से बाल भी कटवाऊंगा, बाल बहुत बड़े हो गए हैं तो यहाँ पे चलते हैं और कटवाते हैं। बाकी यहाँ पर ये सब लोग झगड़ा वगड़ा कर रहे हैं इसका, देखो देख आई यार ये सब लोग ऐसे करते रहे, ऐसे ही बिजी रहते हैं। मौसम विभाग ने अगले घंटे 24 घंटे के लिए तेजी से बारिश की संभावना, तो वो देखे सनसेट। बादल में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है हमें, और यहाँ पर आग लग गई है। तो यही सब चल रहा है, हमारे उर्दी की खेत धनिया, बाकी अपना घर यहाँ से कुछ इस तरह से दिखता है। ये रहा अपना घर, यहाँ सामने से सारा सिस्टम दिखाई दे रहा है। ऐसे करो ऐसे, ए ते यहाँ वीडियो भेज रहे बेटा, ये ऐसा आदू उठावत है हर से आदू उठे लेट हो गए हैं ये लोग, और सब लोग निकल चुके हैं पूड़ी खाने के लिए, यही दो लोग लेट हुए हैं। पानी पूड़ी खाई जाते हैं बाजारी। तो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, आज है दूसरा दिन, तो अभी मैं जा रहा था कॉलेज, अभी महाराजगंज जस्ट पहुँचे ही हूँ। तो कॉलेज जाने का क्या उद्देश्य यह है कि हमारा एडमिट कार्ड मिल रहा है, एग्ज़ाम 5 तारीख से स्टार्ट है, तो आ जाए 1 अप्रैल, तो वहीं जाते हैं फटाफट अपना एडमिट कार्ड लेते हैं आज, और फिर लौटते हैं घर, जैसा भी होता देखते हैं आगे। बाकी सब एकदम बढ़िया चल रहा है, और कल आज रात में सुबह में बारिश बहुत हुई थी, खतरनाक वाली, एकदम रोड से पानी पानी हो रखा है, क्योंकि अब यार बारिश जो हो रही है ना वो बहुत ही नुकसानदायक है, बिकॉज ऑफ गेहूँ के खेत जो पक चुके हैं उनका वो ख़राब होते जा रहे हैं, ना ही उनका भूसा यूज में आएगा, दाना तो मान लो ठीक है और पानी पड़ जाएगा फिर वो ख़राब ही हो सकता है। तो देन जो हो रहा है अब बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश हो जून में स्टार्ट हो फिर धान लगने के समय, उस समय बारिश ही नहीं होगी तब पूरा अपना जो भी धान की खेती है वो ख़राब हो जाएगी। तो यार पर्यावरण बहुत ही अलग चल रहा है, तो इन सब तरीक़ों से अपना गेहूं का खेत भी गिर गया है थोड़ा बहुत, क्योंकि हवा भी चल रही थी बारिश भी, तो दिन जब मिट्टी जब नरम हो जाती है जड़ से तो वो गिर गया है, अब देखो कैसा रहता है उसका सिचुएशन। बाकी तो अभी सब ठीक ही चल रहा है फिलहाल, देखो रहो पानी पानी पूरा हुआ पड़ा है, बारिश हो ही रही है, और ये रास्ता थोड़ा ख़राब है तो मैं आगे आपको मिलता हूँ। भाई लोग एडमिट कार्ड मिल गया है तो अब चलते हैं घर, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, कोई आया ही नहीं है फ्रेंड सर्कल में, मैं आ गया था पहले लेके चलता हूँ बाकी अपनी गाड़ी इधर, तो बहुत कचाखे की हो रही है, तो मिलते हैं आपसे मोटो ब्लॉग मोड में। सो भाई लोग एडमिट कार्ड ले गया, हो गया, बाकी बादल एकदम चपुआ हो रहे हैं, मतलब अच्छे दिख रहे हैं, कॉलेज का माहौल एकदम शांत पूर्वक, और कोई आया ही नहीं यार कॉलेज का, तो ये कॉलेज का गेट रहा, फिर बस वही अब चलता हूँ इसको एडमिनेशन करवा लेता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम है 4 दिनों के गैप में, तो ये क्योंकि ख़राब हो जाएगा इस वजह से, इसको पहले क्या बोलते हैं एडमिशन करवा लेते हैं। बाकी बादल बहुत ही प्यारे हो रखे हैं, मौसम भी ठीक है, हवा चल रही है, ठंडा लग रहा है, और आगे सब एकदम बढ़िया चल रहा है, कॉलेज के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपका एग्ज़ाम 8 तारीख से शुरू हो रहा है, तुम तो जो हमारे ब्लॉग देख रहे हैं कि हम कैसे काले पड़ गए हैं बारिश की वजह से, पूरा देख रहे हैं, ये इसी की वजह से, बारिश नहीं होनी चाहिए थी यार, क्योंकि अब ये जानवर खाएंगे नहीं भूसा को ना, जो इसका वेस्टेज निकलता है भूसा
उसको जानवर खाते ही नहीं है, और नहीं खाते हैं देन वो प्रॉब्लम है, फिर उनके लिए अलग से कहाँ से लाएंगे। चलो हम लोग का तो थोड़ा बहुत है, जिनका ज़्यादा है वो बेचारे क्या करेंगे। और पानी पूरा देख रहे हैं रोड से भरा पड़ा, तो ये सब है सिचुएशन यहाँ का। ये बाजहाँ जो रहा है तो रास्ता यहाँ का बहुत ही ख़राब है मेरे दोस्तों। तो भाई लोग अभी यहाँ अजीत भाई के यहाँ पे आया था थोड़े पैसे निकालने थे, क्योंकि इनके यहाँ पैसे से निकल रहे हैं। अगर आप कोई देख रहा है तो आप आ सकते हैं, रजत दारा रोड पे इनका दुकान है। तो ये अर्जेंट में आपको पैसे की क्या पैसे आपको दिला सकते हैं और निकाल सकते हैं अपने अकाउंट से या ATM से। तो वहीं से पैसे निकाला, अब मैं चलता हूँ अपना एडमिट कार्ड को वो लेमिनेशन करा लेता हूँ, फिर निकलता हूँ फटाफट घर को, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो रहा है लेट। तो आई एम ये है ड्रीम अपना। तो भाई लोग बस कुलदीप भाई के यहाँ से अपना थोड़ा काम खत्म हुआ और कुछ टूर पे जाने की बात चल रही थी, तो वो सब भी अपना कंफर्म हो गया। देखो सबका प्लान बन रहा है, अब देखो कब निकलते हैं। बाकी अब आपसे सीधा मैं घर पहुँच के मिलता हूँ, और जैसा भी रहेगा आगे आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तो भाई लोग अभी बस आया था नितिन भाई के पास बैठा था मैं, तो आप बच्चे 20 मिनट हो गए। आई होप आप सब लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर ऐसे किसी शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो में, तब तक प्लीज़ स्टे पॉजिटिव एंड स्टे।